सुन मेरे बंधु रे कने कने जंगल च रौंदी माता मेरी ये दिखने दा सुंदर नजारा आदाब नमस्ते सत श्री अकाल। मैं मुश्ताक का ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के पेज पर आपका स्वागत करता हूं और प्रोग्राम टैलेंट स्पीक। आज हमारे इस स्टूडियो में जो शख्सियत तशरीफ लाई हैं, मैं उनका तारुफ कैसे करवाऊं, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, वो किसी तारुफ की मोहताज भी नहीं है। लेकिन आज हमने उन्हें जहमत दी स्टूडियो में आने के लिए और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि आज मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उनकी बातें सुनूंगा, क्योंकि जिन्हें हम सुनते आए हैं और जिनके बारे में उनकी आवाज़ को सुनते आए हैं और उनके बारे में सुनते आए हैं और बहुत सी चीज़ों से वो भरी हुई हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से उन्हें नवाजा गया और जिन्हें वॉइस ऑफ पीस भी कहा जाता है इंडिया में। और इनकी एक कैसेट थी, गाने का एक मजमूआ था, सरहद, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तान को एक गिफ्ट के तौर पे भी दिया था। तो इन सब चीज़ों पे आज बात करेंगे और मैं आपको बता दूं कि हमारे स्टूडियो में जो आई हैं, जो इस शख्सियत हैं, वो कोई और नहीं, हमारे जम्मू कश्मीर की मिट्टी से हैं, सीमा अनिल सहगल जी। सीमा जी, आपका स्वागत है हमारे इस जम्मू की धरती पे और ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के पेज पे और प्रोग्राम टैलेंट स्पीक। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सीमा जी, हम ज़रा दाएं बाएं ना जाते हुए, मैं यही, क्योंकि मैं वाकिफ़ हूँ और दर्शक भी वाकिफ़ ही हैं आपसे, और आपके घर में एक रवायत है शुरू से ही है फ़न की। जी बिल्कुल। हमारे स्वर्गीय यश शर्मा जी रेडियो की आवाज़ के बादशाह और डोगरी के वो लेखक जिन्होंने एक सिंगार रस को शक्ल दी और उनके गीत, उनकी नज़में, उनकी गज़लें, एग्जैक्ट एग्जैक्ट, तो उनके गीत और उनको मद्देनज़र रखते हुए उसके बाद जो हमारी नई पीढ़ी आई उन्होंने यश जी को ही फॉलो किया। उनका नाम ना लें तो मेरे लिए अच्छा नहीं है। और उसके बाद आप माशाल्लाह, आप हमारे जम्मू कश्मीर की हम कोयल कह सकते हैं, आपकी आवाज़, भगवान आपको तरक्की दे। ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ गायकी के लिए? आप डॉक्टर भी बन सकती थी, आप किसी और प्रोफेशन में भी जा सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुश्ताक साहब। हमारे घर में मैं देखती थी कि जब मैं छोटी थी तो जैसे कि मेरे पिता ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे, वहाँ जाहिर है कि रेडियो कॉन्सर्ट्स हुआ करती थी। और वो जमाना, उस ज़माने में निर्मला अरुण जी आ रही हैं, कभी कोई यूनुस खान साहब आ रहे हैं, तो मैं हमेशा देखती कि वो सारे जो रेडियो में जितने भी कलाकार आते थे वो उन्हें घर पे ले आया करते थे। मुझे याद है कि निर्मला जी बैठती थी और जब वो अपने गीत गाती और ये सब, तो मेरे पिता कहते थे कि मेरी बेटी भी गाती है, इसे आप आशीर्वाद दीजिए। तो मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि उन सब कलाकारों का जो घर में ठहरते थे उन सब का आशीर्वाद मुझे मिला। और बाद में मुझे उन्होंने ये भी बताया कि इस जगह पे बेगम अख्तर भी, जब तुम पैदा नहीं हुई थी बेगम अख्तर भी आके ठहरी हैं। तो घर में पूरा माहौल ऐसा था
बस मैं थोड़ा जो भी गुनगुनाती थी या मैं उनसे सीखती थी वो मुझे सिखा देते थे। घर में मैंने देखा शुरू से माहौल था, और मेरे पिता अक्सर गीत गाया करते थे सचिन देव बर्मन के। अच्छा। सुन मेरे बंधु रे, जब ये करते थे तो आई डोंट नो, मुझे लगता था कि क्या है इतना खूबसूरत, क्या क्या विधा है, क्या माशाल्लाह उनकी आवाज़ भी है। और मैं हमेशा सुनती हूँ मैं ऐसा क्यों नहीं गा पा रही हूँ, ऐसी आवाज़ क्यों नहीं गा पा रही हूँ जैसे ये गा रहे हैं, और फोक स्टाइल में वो गाते थे। क्या बात है। तो बस उन्हें सुन सुन के मुझे ये लगा कि मुझे गाना है, तो इस तरह मेरी शुरुआत हुई कि घर में माहौल था। उसके बाद कोई तरबियत इसकी हासिल की कहीं से? उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में सारंगी नवाज थे बुआ दत्ता खान साहब, जी आपको याद होगा, जी जी जी, तो उनसे मैंने तालीम ली, वो मुझे सिखाया करते थे गालिब की गज़लें, लेकिन उस वक्त मुझे अर्थ मालूम नहीं थे, कुछ नहीं पता था कि क्या है क्या, बस वो मैं गा लेती थी। और दूसरी मेरा जो सिखलाई हुई है मदन मोहन होते थे। अच्छा। सुबह मुझे याद है कि वो 4 बजे हमारे घर आया करते थे और मुझे कहते थे उठो, मुझे सीमा नहीं कहते थे, सोमा उठो, चलो हारमोनियम लो। और सच मानिए अब मैं जब उन पलों को याद करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि हमारे माता पिता कितना कुछ करते हैं हम लोगों के लिए, सिखाने के लिए। तो सुबह उठ के 4 बजे वो गाते थे, कौन कौन गुन गाओ राम के, कौन कौन गुन गाओ। और मैं उनके पीछे पीछे गा रही हूँ, नींद भी आती उस वक्त। ओह, 4 बजे की नींद तो बड़ी। गुस्सा भी आता होता था कि क्यों आ जाते हैं सुबह, लेकिन नहीं माशाल्लाह मैंने चीज़ें, क्योंकि एक घर का माहौल वैसा था। और उसके बाद जो जैसे आपने बताया कि ऑल इंडिया रेडियो पे आते थे और जो भी फनकार आते थे तो वो एक बैठक शाम को घर में हो, घर में हो जाते थे, वो एक रवायत थी। उस वो रवायत आजकल वो रवायतें नहीं हैं। आजकल जो मैं देखता हूँ गाने की रवायत होती, लेकिन बस वो एक दिखलावे के लिए होते, एक स्टेटस सिंबल बताने के लिए, जो मैं समझ सकता हूँ, पता नहीं मैं गलत हूँ कि ठीक हूँ। लेकिन पुरानी रवायतों में ये होता था, घर में जब आते थे लोग तो वो एक माहौल होता था, बच्चे जैसे आपने कहा आपने सुनते थे उन्हें, तो सीखने की एक लालसा होती थी। आपकी तरबियत जिन लोगों से हुई वो भी, मतलब वो कहते हैं ना एक गुरु शिष्य परंपरा, गुरु की सिखलाई जो होती है वो ऐसे ही होती है कि सुबह 4 बजे उठ के आपको बिठा देना, और उस उम्र की बात, जिस उम्र में नींद 4 बजे बड़े खूबसूरत आती है, है ना, उस उम्र में आपको बिठा देना और कहना माशाल्लाह। जी जी जी। और एक मज़ेदार बात बताऊं? जी जी प्लीज। 5 अंडों का ऑमलेट सुबह और 5 अंडों का ऑमलेट शाम को, ये उनकी खुराक होती थी मदन मोहन जी की। अच्छा। हाँ। कोई चार्ज नहीं लेते थे, बस उनका ये था कि ये मेरा मुझे खाना है। और मैंने अपनी माँ को हमेशा देखा है कि वो पूरा उनकी खिदमत करती थी, क्योंकि वो मुझे सिखाते थे। सीमा जी, जैसे आपने बताया कि 5 अंडों का आमलेट, ये मेरे जहन में है, वो मतलब ये चीज़ ही ऐसी है, ये आप पूरी उम्र नहीं भूल सकते। 5 अंडों का आमलेट सुबह और 5 अंडों का आमलेट शाम को, ये मेरी माँ तैयार करके दे रही हूँ उनको, और वो मुझे रात से। सीमा जी, आपने बताया कि आपको शुरू में ही गालिब थमा दिया गया जी। उस वक्त जबकि आपको गालिब का नहीं पता है, ठीक है, एक पोइट्री लिखी हुई आपके पास आई, आपने पढ़ ली, उसके बाद जैसे मैं ड्रामे से हूँ तो हमारा ये कहना है कि हर लाइन के पीछे एक सब टेक्स्ट होता है, एक एक्सप्रेशन होता है। मेरे पास उस टेक्स्ट को जब मैं बोलता हूँ संवाद, तो उसके पीछे सब टेक्स्ट पर वर्कआउट कर, वैसे ही जब गायकी में होता है। और माशाल्लाह मैंने आपका प्रोफाइल देखा, आपने बड़े बड़े शायरों को गाया है, फैज़ साहब वाली तो मैंने खुद वो DVD सुनी, मैं मुझे याद है कश्मीर टाइम, वहीद वसीम साहब थे जी, जी बिल्कुल है ना, वहीद वसीम साहब, वो मैंने सुनी है अभी, वो जो सरहद की हम बात, उसके बारे में भी हम बात करेंगे।
ये जो इतना उर्दू का ज़खीरा आपके पास आया, गालिब, फैज़, मीर तकी, मीर दाग दहलवी भी होंगे, और उसके बाद क्योंकि मैं आपका कुछ प्रोफाइल वहाँ रखते में पढ़ रहा था, और इन सब चीज़ों को फिर आप ये उर्दू की तरबियत कैसे आपने हासिल की, और ये उर्दू ये मेरे पिता नहीं माशाल्लाह उन्होंने वही मुझे कह सिखाते अच्छा। थे कि भाई मुझे याद है गम नहीं निकलता था, बिंदी नीचे नुकता लगाओ नहीं निकल, एक टांग पे खड़े हो जाओ उसको जब तक ग नहीं निकले डोंट सिट। तो इस तरह हमने ये सीखा है तलफ़ुज़। उन्होंने कहा कि कहते थे कि तलफ़ुज़ अगर आपका सही नहीं है तो आपको गज़ल गाने का हक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तलफ़ुज़ नहीं नहीं माशाल्लाह रेडियो में तो मुझे अपना याद है, मैं अब भी मैं क्या हूँ मतलब कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन हम रेडियो में जाते थे तब यश शर्मा जी हुआ करते थे, महकश कश्मीरी साहब, क्या क्या लोग थे, महकश कश्मीरी साहब उर्दू। मुझे एक बार दाग दहलवी पे कुछ टॉक लिखने के लिए युवानी सर्विस में मैंने लिखी और जाके बोल रहा हूँ मेरे से पढ़ी नहीं जा रही उर्दू के लफ्ज़ों पे, वो जैसे आप नुक्ता गैन का नुक्ता और खा का नुक्ता उसको देखे तो वो छोड़ते नहीं थे, वो लोग नहीं छोड़ते थे, नहीं छोड़ते थे बिल्कुल जी। इवन के यश जी की माशाल्लाह उर्दू अपनी बहुत खूबसूरत उर्दू थी, खबरें पढ़ते थे जी जी। तो आपको ये उर्दू की तरबियत अगर कहा जाए तो वालिद साहब की तरफ से मिली मुझे बिल्कुल बिल्कुल, और क्योंकि मैं जब भी गाती थी उनके सामने पहले बैठ के पूरी गज़ल का मीनिंग समझना है। तो याद है मुझे कि 6 साल की 7 साल की उम्र में सेंट्रल स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ प्रोग्राम था, तो खैर मेरी सबसे पहली जो गज़ल जो मैंने गाई वो थी देख तो दिल की जान से। सीमा जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं चाहूँगा कि ये आप गज़ल कुछ गुनगुना के दर्शकों को सुनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। तो वो गज़ल मैंने उनसे सीखी बैठ के कि क्या है, देख तो दिल के जान से उठ है ये धुआं कहाँ से उठता है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो ये धुआं ये नहीं निकल रहा था, तो मेरे पिता ने मुझे कहा कि तुम ऐसा एक सोचो कि एक सड़क है, वो सड़क घूम रही है तो तुम उसके साथ साथ ये गाओ, सच में निकल गया। इसी बात पे मैं आपको बता दूं मेहंदी हसन साहब से भी ये सवाल किया गया था कि मेहंदी हसन साहब देख तो दिल के जान से उठता है ये धुआं कहाँ से उठता हुआ है, ये गज़ल आपकी बहुत पहले शुरू आपने की थी लेकिन मार्केट में बहुत देर से आई, कुछ और गज़लें आई, तो इसकी वजह क्या रही? तो मेहंदी हसन साहब ने कहा कि सब कुछ ठीक हो रहा था, वो जो धुआं उठने वाली बात थी ना वो धुआं उठ नहीं रहा था, तो उस पर उन्होंने कहा कि वो जो धुआं ऐसे लपटे ले लेके उठता है, जैसे जो आपने कहा ना कि वो कहा कि सड़क हो ऐसे ऐसे, तो मेहंदी हसन साहब ने कहा था कि वो धुआं ऐसे जो उठता है तो और किस दिल जले की है फलक शोलाए सुबह जहाँ से उठता है। तो हमारे हम लोग क्योंकि हमारे रिश्ते अच्छे थे तो हम लोग घरों में क्या है मेहंदी हसन साहब से शुरुआत होती थी, उनको मैं सुनती थी, फिर नज़ाकत अली सलामत अली, क्या बात, वो रात को 12 बजे भी अगर कोई उनका राग आ जाता था तो मेरे फादर कहते थे उठो सुनो देखो कैसा अच्छा घर है, जस्ट लिसन देखिए जी जी शौक देखिए उनका जी जी जी, जी मेरे मेरी बेटी गाए, वो ये रहता है एक माता पिता का शौक रहता है। आपका उसके बाद ये जो USA वाला जो आपको सम्मानित मिला हार्वर्ड पास यूनिवर्सिटी का जी, इसका अनुभव ये क्योंकि आप राष्ट्रीय स्तर पे तो हैं ही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आपका नाम है और आपकी गायकी का जिक्र होता है, ज़रा उसके बारे में बता दें जी। मैं उसके बारे में आपसे बात करती हूँ, उससे पहले मैं आप उसके पहले की जो कड़ी है वो ये है कि नेशनल स्कॉलरशिप के लिए न्यूज़पेपर में आया और मैंने चुपके से वो भर के
दिल्ली में मैं भेज दिया, क्योंकि मैं आगे सीखना चाहती थी क्लासिकल म्यूजिक। खैर वो वहाँ से निमंत्रण आ गया, भाई आप आइए, आपका इंटरव्यू है यूनिवर्सिटी में। श्रीमती मुटाटकर होती थी डीन साहब, घर से ग्रैंडफादर सब कोई जाने नहीं दे रहा है कि वहाँ जाके, दिल्ली में आप जा ही नहीं सकते, यहीं पर गाओ यहीं पर करो। अच्छा। नहीं आपको वहाँ कुछ, आपको पता नहीं है ज़माना कैसा है, ये है वो है, तो इसकी हर तरह से मुझे रोका गया। लेकिन उस वक्त भी मेरे माता पिता ने मेरा साथ दिया और मेरे पिता लेके मुझे गए यूनिवर्सिटी। वहाँ मैंने, मुझे याद है तानपुरा नहीं था, तो एक लड़की थी उसको मैंने 100 रुपये दिए और तानपुरा लेके मैंने इंटरव्यू अपना दिया और घर आ गई और मुश्ताक साहब मेरी सिलेक्शन हो गई। तो नेशनल स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गया। 3-4-5 साल मैंने भारतीय कला केंद्र में अपनी सीखा, पंडित मणि प्रसाद जी से, नसीर खान साहब से, फिर काफ़ी बहुत ही अच्छे दिन थे, अच्छे प्रोग्राम्स होते थे, बहुत ही आनंद वाला जीवन था। संगीत संगीत हाँ उस हब में आप बैठी हुई थी, म्यूजिक म्यूजिक में। तो 84 में फिर मेरी शादी हो गई और मेरे हस्बैंड स्क्वाड्रन लीडर अनिल साइकिल फौज से उनका ताल्लुक था। हालांकि मुझे फौज से कोई, मुझे पता नहीं था कि भाई, आर्मी का फिर भी पता था लेकिन ये एयरफोर्स के बारे में मैं इतना जानती नहीं थी। तो जब उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनसे पूछा कि आप वहाँ क्या करते हैं, उन्होंने कहा तब फ्लाइंग ऑफिसर थे। तो मुझे लगा कि शायद कोई उड़ाते हैं, कोई जहाज़ उड़ाते हैं, नहीं पता होता है। तो इस तरह जब मैं और देखा मैंने कि वो फेमिना में भी आर्टिकल लिखते थे। अच्छा अच्छा। फेमिना में भी लिखते थे, तो इंटरव्यू लेने के लिए आए भारतीय कला केंद्र में और जो प्रश्न उन्होंने मुझसे किए बहुत अच्छे लगे। मैंने कहा यह कोई जहीन आदमी ही ऐसा इंटरव्यू ऐसे ले सकता है, ऐसे प्रश्न कर सकते हैं। तो बस वहीं उनसे मुलाकात हुई और आई एम सो लकी, मैं अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे ऐसा एक जीवन साथी मिला जिसने मेरे संगीत को और आगे, बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है बहुत, मतलब आपका मेंटल लेवल को भी कवर करना है और आपकी वो जो एक शौक है, एक्चुअली कोई भी कला है वो शौक से शुरू, जोश से, और उसको कैरी करने वाला अगर आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर मिल जाए तो वो तो मतलब हमारे डोगरी में कहते हैं सुनने पर सुहागा, सुनने पर सुहागा। ये नहीं तो मैं दिख रही हूँ मेरे कन्ने दिया जिन्हें, कई यहाँ पर कलाकार हैं वो बेचारी रह गई हैं क्योंकि उनको शादी के बाद जी घर में, नहीं नहीं मैं मानता हूँ उनकी बना बाहर नहीं, ये हर फील्ड में हर फील्ड ऐसा होता है। अच्छा फिर बड़ा दुर्भाग्य सा लगता है मुझे, दुख भी होता है उनके लिए। तो अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग रही, बच्चे थे छोटे हैं, तो उसके बाद जब हमारी मुंबई पोस्टिंग हुई तो हमारी मुलाकात हुई अली सरदार जावरी साहब। अच्छा अच्छा। उनसे मुलाकात हुई, अच्छा उनसे मुलाकात हुई तो उनकी जो पोइट्री की उन्होंने किताब दी मुझे, तो आना जाना हमारा बड़ा लगा रहा। तो एक दिन हम उनके घर पे बैठे थे तो उनकी जो पत्नी सुल्ताना जाफरी, उन्होंने कहा कि सीमा सरदार की पोइट्री ना गा नहीं सकता कोई, बड़ी मुश्किल है, नहीं गाने लायक नहीं है शायद, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इसने किसी ने गाया नहीं है। तो अब सच मानिए, जब मैंने उनका जो पढ़ा, गुफ्तगू बंद न हो, बात से बात चले, सुबह तक शामें मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई तारों भरी रात चले, उसमें इसकी बहुत यूँ लगा कि समंदर की लहरें हैं उस पोइट्री में। फिर एक दिन ऐसा आएगा आँखों के दिए बुझ जाएंगे, हाथों के कमल को मिलाएंगे और बरगे जबां से नुक्तो सदा की हर तितली उड़ जाएगी। मैं आपको नहीं बता सकती कि मुझे लगा कि वाह साहब क्या बात है। तो फिर साइकिल साहब और हमने डिसाइड किया कि हमारा जो म्यूज़िक है, संगीत है, वो हम तफरी के लिए ना करके कोई मीनिंगफुल किसी फॉर एक कॉज लेके, एक कॉज लेके चले हम, नॉट सेल्फ, नॉट सेल्फ कॉज को लेके जी। क्योंकि उस वक्त इतनी नफरतें फैल चुकी थी, कुछ अजीब सा माहौल हो रहा था। तो देन वी डिसाइड कि हम अपना जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम्स हैं, वो क्यों नहीं शांति के लिए डेडिकेट करें। तो यहाँ से लहू का रंग एक है हमारी, ये शुरू हो गया हमारा एक
मिशन शुरू हो गया। जी जी जी। तो उसमें दोनों मुल्कों के जो शायर थे, देखिए जो शायर होता है वो सबका होता है, जो लेखक हैं, शायर हैं, संगीतकार हैं, ड्रामा जो करते हैं, जी जी जी। वो एक अलग सी दुनिया है, उनको सियासी मामलों से सियासी मामलों से उनको कुछ नहीं लेना देना होता, वो चाहते हैं इस दुनिया में प्यार हो, शांति हो। तो बस वहाँ से कुछ शायर शायरों के हमने कुछ कलाम लिए, यहाँ से कुछ लिए, तो इस तरह हमने एक पोइट्री का एक प्रोग्राम शुरू किए हैं। तो उसमें अली सरदार जाफरी की भी हमने एक मैं समझ ही चाहूँगा कि गुनगुना के कुछ ना, क्योंकि आप आई हैं और कुछ गुनगुनाया ना हो तो मज़ा नहीं। प्लीज उसमें से ही गुफ्तगु बंद ना हो, बात से बात चले सुबह तक शाम मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले, गुफ्तगू बंद ना हो। फिर उसमें दूसरी नज़्म थी, हर आदमी अलग सही मगर वो मंग एक है, जुदा जुदा है सूरत लहू का रंग एक है, लहू का रंग एक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी हिंदी में, उर्दू में, तो काफ़ी मकबूल हुआ वो हमारे यहीं से आपका वो जो पीस मिशन शुरू हुआ। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जो हमें मदद किया वो अली सरदार जाफरी की रियासत थी सरहद। अच्छा। ये जिसमें गुफ्तगु बंद, फिर एक दिन ऐसा आएगा आंखों के लिए भूल जाएंगे, बहुत खूबसूरत नज़में थी उसमें। हाँ तो सीमा जी ये है, हम जम्मू में बैठे हैं और आप जम्मू से हैं। जी मैं बिल्कुल जम्मू से मैं फख्र से कहती हूँ कि मैं डोगरी हूँ, क्योंकि मैंने भी प्रोग्राम किया, मैं एंड में मैंने ज़रूर अपना लोकगीत गाया है जम्मू। मैं हम चाहेंगे कि वो लोकगीत भी आप सुना दें, क्योंकि आज हम आपसे कुछ सुनना ही चाहेंगे। प्लीज़ मुश्ताक साहब, लोगों को हमारा जो पहाड़ी संगीत है, लोक संगीत, इतना अच्छा लगता है। नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है, बहुत है। कने कने जंगले च रौंदी माता मेरी ये, दिखने दा सुंदर नजारा ओ मंदिर च बस तू माता रानी मेरी ये, माता रानी मेरी ये, ओ माता रानी मेरी ये, जोते दा ओए लश्कारा। क्या बात है, क्या बात है। सीमा जी आजकल आप हमारे आप देश विदेश सब घूमते हैं, सब आपने देखा, हमारी जो नई पीढ़ी चल रही है, नई जनरेशन जो, इसको आप गायकी में कहाँ देख रहे हैं? कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, देख जब मैं सुनती हूँ बच्चों को, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो इतना जल्दी करते हैं सब कुछ, जल्दी करते हैं, मतलब जल्दी में है, जल्दी में है। सबसे बड़ी मेजर कॉमन फैक्टर ये है कि वो जल्दी में है कि ये भी ये भी ये भी ये भी कर ले, ये नहीं है तो उसमें कर ले, उसमें उसके बहुत सारी दिशाओं में वो चले गए हैं, एक दिशा पकड़ते नहीं है। ये आज की जनरेशन की सबसे बड़ी एक बहुत ये उनकी प्रॉब्लम है। ड्रामा भी कर ले, हम ये भी कर लें, गा भी लें, नाच भी लें, नाच भी लें, सब कुछ कर लें। मतलब ये कहने का मतलब कि दो कश्तियों में सवार होकर समंदर पार नहीं होता। दूसरा, शब्दों का चयन बड़ा ख़राब हो चुका है। जब भी मैं कुछ कई गीत सुनती हूँ तो सोचती हूँ कि
शब्द जो है वो हवा में फैलते हैं भाई, उनका पोल्यूशन मत करो। अच्छा, अच्छे शब्द गाओ का मज़ा। जी 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 सीमा जी, अब आपसे बातें बहुत करने का दिल करता है, लेकिन वक्त को मद्देनज़र रखते हुए, उसका ख्याल करते हुए, मैं आखिर में आपसे यही गुजारिश करूंगा कि यश शर्मा जी का कोई गीत डोगरी का हमें सुना दीजिए। इधर ओ कोई बदली गासै छाई, ओ कोई बदली गासै छाई, रमा नहीं बरदी रमा, ओ नहीं बरदी ओ कोई बदली गासै छाई, कौन जाने के दर्द बछोड़े, कौन जाने के दर्द बछोड़े, को दिए परमाई रमान ने बदली रमा, क्या बात। ये बदली जो है वो एक लड़की का दुख है। जी 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 जी, बड़ी दुखी है, उसके आंखों से आंसू नहीं है। ये साहित्य है, ये गीत है। कोई बदली गासै छाई, क्या बात है। मैं बिल्कुल एक पहाड़ पे बैठ के इसको विजुलाइज कर रहा हूँ जो आपने गाया है, लेकिन क्या करें, वक्त को मद्देनज़र रखते हुए हमारे लोगों के लिए, हमारे जो नई पीढ़ी गाने वाले बच्चे हैं जो इसमें शौक़ रखते हैं, उनके लिए कोई मैसेज? मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि बहुत सादगी अपने अंदर रखें, थोड़ा सा भी अगर आपको कुछ प्राप्त हो जाता है तो आप घमंड में ना आए, ईगो में ना आए, क्योंकि ये जो संगीत है इसका कोई वो नहीं है, उसका कहते हैं ना उसकी एंड नहीं है, एंड नहीं है। तो जितना आप इसे सीखते जाएंगे आप देखेंगे कि ये कितना विशाल है। तो आप सब बच्चों से यही गुजारिश है कि आप बहुत हलीमी से, बहुत नम्रता से, बहुत और बड़ों की इज्जत करना ज़रूर करें, अपने बड़े से जो बड़े गुरु हैं उनको इज्जत करें, उनसे शिक्षा लें, जिनसे भी आपने चाहे छोटा है बड़ा है जिससे भी सीखें उसको आप प्यार से इज्जत करें उनकी, और अच्छे शब्द गाएं। शब्दों का चयन करना बहुत अच्छा ज़रूरी है, नहीं तो देखिए हमारे समाज में आप देख रहे हैं कि क्या हाल हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे जब मैं देखती हूँ बसेस में जाते हैं स्कूल के लिए, उसमें जब लगा होता है चार बोतल वोदका का मिनट, तो बड़ा दिल दुखता है कि बच्चों के अंदर क्या जा रहा है, किस बच्चे क्या सुन रहे हैं। तो भाई है कि अच्छा संगीत करें, राग लगा दीजिए उनको, नहीं समझ आता है बच्चों को लेकिन उनके अंदर वो राग जाएगा, उनके अंदर अच्छी ध्वनि जाएगी। ये तेज गंदे फास्ट म्यूजिक मत लगाएं, हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं उससे, मुझे लगता है। नहीं, बहुत अच्छा मैसेज सीमा जी का। मन तो करता है इनसे और बातें करते रहें और सुनते रहें, लेकिन वक्त वही बार बार मैं वक्त की बात कहता हूँ, और वक्त बहुत बड़ी चीज़ है। वक्त कब निकल जाता है कब आता है पता भी नहीं चलता। तो आप सब लोगों से गुजारिश है, हाथ जोड़ के बिनती, इस प्रोग्राम को आप देखें और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिए। हम आपको YouTube चैनल पे भी मिलेंगे, हमारा फेसबुक है ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के नाम से, YouTube पे भी है, Instagram पे भी, हम ट्विटर पे भी आपको मिलेंगे, और हम इसी तरह आपके समक्ष एक अच्छे अच्छे टैलेंट लेके आएंगे और उनसे बातचीत। मैं अपने आप को आज बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने एक दो पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के साथ भी बैठ के बात की है, जिनका नाम हम नहीं कह भूल सकते। यश शर्मा जी, आकाशवाणी पे रेडियो पे उनकी आवाज़ गूंजती थी, गीतों का राजा कहा जाता था, और उनकी बेटी सीमा सहगल जी से भी मैंने बात की, बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, जय हिंद।